व्यवसारिया ने आज मैं बड़ा पाव बनाऊ हूँ। किसी ने पसंद आवे तो लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो, बताइयो बड़ा पाव किसा का लग गया। और वे वे चाक के देख लियो, पसंद आवे तो लाइक कर दियो, ना पसंद आवे तो वे देख लियो कि कर करोगी। राम राम व्यवसारिया, नहीं मैं बना लागू हूँ, अरे फटाफट तम बता दियो मैंने किसा का लग गया। तो गाइस, वड़ा पाव बनाने के लिए हम सबसे पहले मसाला पेस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हमको हरी मिर्च और करी पत्ता और लहसुन चाहिए। तो हम पहले इसको ग्राइंडर में डाल के उसका पेस्ट बना लेते हैं। तो गाइस, पहले हम इसको ब्लेंडिंग जार में डाल लेते हैं। सो गाइस, हमको ना इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है, हमको इसको विदाउट वाटर ग्राइंड करना है। तो हम पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं, फिर इसका अच्छा सा पेस्ट रेडी करते हैं, देन आई विल शो यू। तो हाँ गाइस, ये कुछ ऐसे बन के तैयार होगा। हमने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है ना, तो इसीलिए ऐसा हो जाएगा। तो हम पहले इसको एक कंटेनर में निकाल लेते हैं। तो गाइस, ये कुछ ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। तो गाइस, मैंने ना 5 आलू को बॉईल किया था, तो अभी मैंने उनके छिलके निकाल के इनको मैश कर लिया है। तो अभी हम चलते हैं आलू मसाला बनाने के लिए। तो या लेट्स गो। तो गाइस, इसके लिए हम पहले कढ़ाई को गैस पे रख देंगे गरम होने के लिए। जब ये थोड़ी सी गरम हो जाएगी, हम इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डाल देंगे। एंड पहले हम तेल को गरम होने देते हैं अच्छे से। और तेल गरम होने के बाद हम इसमें, तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई और 1 छोटी सी चम्मच, थोड़ी सी लाइक हींग डालेंगे हम इसमें। तो हम पहले इसको अच्छे से थोड़ा पकने देंगे। और अब हम उसके बाद इसमें जो हमने पेस्ट रेडी किया था, तो हमने ये जो पेस्ट रेडी किया था, हम इसके अंदर ये डालेंगे। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमको गैस फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है। और हम इसको अभी 1 मिनट के लिए भूनने देंगे अच्छे से। अगर इसे जैसे ही भूनना चालू होगा, इसमें से हमको गार्लिक की अच्छी से लाइक हरी मिर्च की अच्छी से एक स्मेल आने लग जाएगी। तो वैसे अब हम इसमें ना धनिया पाउडर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, मतलब अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, वरना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो हम इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, हम अब इसमें आलू डाल देंगे जो हम लोगों ने बॉईल किए थे। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसको थोड़ी देर हम लोग अच्छे से लाइक पकने देंगे। तो गाइस, हम फिर इसको गैस से निकाल के हम एक प्लेट में अच्छे से इन आलुओं को ऐसे रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको स्टफ़ कर देंगे। और गाइस, जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम बेसन का पेस्ट बना लेते हैं, जो बेसन का घोल जो हम टिक्की बना के उसमें डाल के फ्राई करेंगे। तो गाइस, पहले हम थोड़ा सा बेसन ले लेंगे, बेसन। फिर अब हम इसमें डालेंगे, तो गाइस अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे और रेड चिली पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तो गाइस, अब हमने इसमें जो मसाले डाले थे हम उसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पहले हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर अब हम इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो या गाइस, तो गाइस हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जो लम्स होती है, लम्स मतलब गांठे, वो नहीं आनी चाहिए। अगर वो आएगी तो फिर अच्छे से नहीं बनेगा। हम इसमें पहले एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
सो गाइस ये जो बैटर है ना इसको हमको तिक्खी रखना है ताकि ये आलू जो हमने वो मसाला बनाया है हम जो टिक्की बनाने वाले हैं उस पर अच्छे से कोट हो सके। तो ये अभी रेडी हो गया अच्छे से। तो अभी हमने जो आलू का मसाला बनाया था तो अब हम उसके ना थोड़ा थोड़ा लेके इसको अच्छे से हम लाइक टिक्की टाइप बना लेंगे। तो गैस हमने ना वड़ा बना लिया है। तो हम इसको फ्राई करने से पहले जो वड़ा पाव में हम चटनी यूज़ करते हैं जो रेड कलर की होती है ना, तो वो हम पहले प्रिपेयर कर लेते हैं फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो पहले हम उनको प्रिपेयर करते हैं, लेट्स गो। तो गैस कढ़ाई को हम पहले गैस पे रख लेंगे, फिर हम इसमें आधा कप मूँगफली डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से लाइक फ्राई कर लेंगे। तो गाइस फिर ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसका छिलका निकाल देंगे अच्छे से। तो पहले हम एक बार इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस छिलका अच्छे से नहीं उतरा मेरे से, बिकॉज़ ये मूंगफली ऐसी है इनका छिलका नहीं उतर रहा है अच्छे से। तो अभी हम जार में ये मूँगफली डाल देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर और लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक, और फिर अब हम इसमें लहसुन डाल लेंगे गाइस। तो अब हम इसको अच्छे से पहले ग्राइंड कर लेते हैं, इसमें भी पानी नहीं डालना है गाइस। तो गाइस ये थोड़ा कलर ऐसा आया, अगर आपको और रेडिश चाहिए तो आप इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कर सकते हो। तो जो वड़ा पाव में रेड कलर की जो लाइक वो पाउडर सा जो वो लोग यूज़ करते हैं वो जो चटनी होती है वो यही है। तो या तो गाइस अभी हम लोग तैयारी करते हैं वड़ा बनाने की। तो पहले हम तेल गरम कर लेते हैं, तो मीडियम फ्लेम में ही रखना है। तो अब मेरा तेल जो अच्छे से गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें तो गाइस चेक करने के लिए कि तेल अच्छे से गरम हो गया हम बेसन का थोड़ा सा डिप डालेंगे। अगर ये ऊपर आ रहा है तो इट मीन तेल गरम हो चुका है, तो हमारा बहुत परफेक्टली गरम हो चुका है। अब इसमें हम आलू के जो हमने वड़ा बनाए हैं हम उसको बेसन में डालेंगे, फिर हम फ्राई करेंगे। हमने इसको अभी बेसन में डिप कर लिया, अभी हम इसको तेल में डालेंगे। गाइस बहुत आराम से डालना होता है वरना तेल के छींटे लग जाते हैं। और बाकी आप अगर हाथ से डाल सकते हो तो वो और सही है। तो हम इसको पहले अच्छे से फ्राई करेंगे, तब तक ये हल्का लाइक रेडिश कलर नहीं हो जाता तब तक हमें इसको अच्छे से एक बार वो करना है, फ्राई करना है। तो दिस इज हाउ। तो पहले हम एक बार ये टिक्की सारी अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस अभी हम ना मिर्ची भी फ्राई करने वाले हैं, बिकॉज वड़ा पाव भी ब्राउन है मिर्ची। मिर्ची आपकी मर्जी है गाइस, इफ यू वांट यू कैन टेक इट। तो गाइस हमारे जो वड़ा पाव के पाव है हमको एक बार थोड़ा सा लाइक घी या फिर बटर, आप कोई भी एक चीज यूज कर सकते हो। तो मैं तो यहाँ पे घी का यूज कर रही हूँ। तो हम पहले इनको अच्छे से एक बार सेक लेते हैं। हम इनके ऊपर भी थोड़ा सा घी डाल देंगे। सो गाइस मैंने इसको अच्छे से पहले बेक कर लिया, तो अब हम इसमें ये पाउडर ये लगाएंगे, ये जो रेड रेड कलर का हमने बनाया था। और अब हम इसमें अपना वड़ा रख देंगे और एक मिर्ची पर, मिर्ची का ये रिमूव कर देंगे आगे से। एंड हियर इज अवर वड़ा पाव विच इज़ रेडी। तो गाइस ये थी रेसिपी वड़ा पाव की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना वीडियो को और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ गाइस। और ये लो, ये दिस इज़ फॉर यू गाइस, यू कैन कम एंड ईट इट, फॉलो आ जाओ।
सो इट्स रेडी गाइस।